संक्रमण का खतरा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। आसपास में सांप बिच्छू ये सब बार बार निकल रहे हैं। बहुत बुरी तरह से हम लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। जनजीवन हम लोग का पूरी तरह से ठप है, अस्त व्यस्त है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बाढ़ ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और कई इलाके ऐसे हैं जो बुरी तरह से बाढ़ और जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। आम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लगातार आपको बिहार के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आम लोगों की परेशानियों से अवगत भी करा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि उन तक किस तरह की मदद पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही है। आज हमारे पास तस्वीरें मोतिहारी से आई है। तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है, जिस तरह से मोतिहारी ज़िले में बाढ़ का पानी फिर से घुस आया है। मोतिहारी के पौश इलाके की तस्वीरें हैं, चंदमारी मोहल्ले की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी पक्के के मकान हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को नाव तक का सहारा लेना पड़ रहा है और लोगों के घरों के भीतर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। आने जाने वाला जो रास्ता है, मोहल्ले का जो आम रास्ता होता है, वो सभी डूबा हुआ है। फील्ड वगैरह हैं वो सब कुछ डूबे हुए हैं। चंदमारी में वार्ड संख्या 12 और 26 में जल निकासी की समस्या से मोहल्लावासी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बाढ़ ने यहां पर दोबारा दस्तक दे दी है। ये सभी तस्वीरें मोतिहारी नगर परिषद की पोल भी खोल रही है कि क्या व्यवस्था वहां पर की गई है कि अब तक बाढ़ का पानी जो दोबारा घुसा है वो जमा है और निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पानी देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये पानी लंबे समय से जमा है और काफ़ी कई जगहों पर पानी काफ़ी गंदा भी हो गया है और कचरा वगैरह भी पानी के साथ जमा हो गया है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ार वगैरह जाने में भी तकलीफ़ हो रही होगी, यहाँ तक रहने में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम अभी कोरोना काल में हैं। कहा जाता है कि साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, तो सोचने वाली बात है कि जब चारों तरफ आपके पानी हो, मच्छर वगैरह वैसे ही पनपेंगे और कोरोना का जो ख़तरा है वो अलग है। तो इस हालात में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंदमारी के मोहल्लावासी इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। वार्ड नंबर 12 बंजरिया क्षेत्र में अभी हैं मोतिहारी के। पिछले 2 महीने से यहाँ बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस कोरोना काल में भी हम लोग को कोई मदद, सरकारी मदद नहीं मिला। उसके अलावा ये बाढ़ है, संक्रमण का खतरा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। आसपास में सांप बिच्छू ये सब बार बार निकल रहे हैं। ये सब के बावजूद हम लोगों को कोई अभी तक सरकारी मदद नहीं मिला है। बहुत बुरी तरह से हम लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। जनजीवन हम लोग का पूरी तरह से ठप है, अस्त व्यस्त है। क्या वार्ड कमिश्नर की तरफ से कुछ मदद नहीं मिला है? किसी के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिला है इस बाढ़ में। तो आपने मोतिहारी के चंदमारी मोहल्ले की तस्वीरें देखी। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मदद उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली है और वार्ड पार्षदों की तरफ से भी जो सहायता मिलनी चाहिए वो सभी चीज़ें अभी उन तक नहीं पहुँच पाई है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस जल जमाव और बाढ़ के पानी से लोगों को कब तक निजात मिल पाता है और मदद कब तक इन लोगों तक पहुंच पाती है। लाइव सिटीज आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। संक्रमण का खतरा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है। आसपास में सांप बिच्छू ये सब बार बार निकल रहे हैं। बहुत बुरी तरह से हम लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। जनजीवन हम लोग का पूरी तरह से ठप है, अस्त व्यस्त है।